excited to come back with another episode of Wave Talks on Nifty Bottom Fishing at 11,040 Ek Adbhut Karishma. This Wave Talks video titled Wave Talks Nifty Bottom Fishing at 11,040 Ek Adbhut Karishma 3rd August 2020 Wave Analysis Wave Count shall discuss about a classical combination of Bollinger Band and harmonic patterns which was used to do the bottom fishing at 11,040 and the most important indicator which you should not forget. Did you guess it? What? Hi, my name is Abhishek. I welcome all of you to my YouTube channel Wave Talks. This channel was created to inspire every individual who wants to travel the path of a price analyst and make his lifetime journey extraordinary. So let me quickly brief you what I'm going to cover in this episode. We'll talk about Bollinger Band and Harmonic Pattern application for bottom fishing at eleven thousand forty. We'll talk about Twitter poll for Wave Talks video time change, which was earlier seven thirty in the morning, and has been changed to nine thirty PM from now onwards, starting today, the first episode, and every Friday it will be off. सो so, जल्द से मुझे बताने दो हम क्या करने वाले इस एपिसोड में हम बॉलिंगा बैंड इंडिकेटर के बारे में बात और करेंगे और हार्मोनिक पैटर्न इंडिकेटर या एनालिसिस यूज करेंगे बॉटम फिशिंग करने के लिए और हमने किया ग्यारह हजार चालीस पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में और दूसरा क्या हम यूज करते हैं हमेशा वी ऑलवेज यूज प्राइस सो डू यू रिमेंबर माई फेवरेट लाइन वी ट्रेड प्राइस नॉट द पैटर्स सो आर यू रेडी टू फाइट द मार्केट्स Let us fight. So, as you can see, this is an hourly chart here for Nifty, and we will discuss about first. Uh, Bollinger band and then uh, next shift to harmonic pattern and how uh, we got uh, this most important level of 11040 and we'll go on to twitter handle correct so let's get started by pushing to twitter handle first this is my uh, twitter uh, handle and you need to subscribe and i'll tell you the reason why subscribe i'll tell you the reason why So, ये मेरा ट्विटर हैंडल है आप देखेंगे जुलाई इकतीस को हमने कितना सारा ट्वीट किया ये इकतीस है थर्डी फर्स्ट दिस इज थर्टी फर्स्ट स्टार्टिंग एट नो ट्वेल्व ट्वेंटी एट इन द आफ्टरनून ये साढ़े बारह है और ये सुबह के ग्यारह है राइट सो so, आप पढ़ेंगे निफ्टी हैव सजेस्टेड इन लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो आइडिया ऑन टाटा स्टील क्या पिघल कर गिरेगा 300 तक अगर आपने ये आइडिया नहीं दिखा है तो आप जरूर चेक कर लें वो आइडिया राइट फॉल इन मेल्ट इट इज एन एक्साइटिंग आइडिया वे वी आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल फ्रॉम 378 सेवेंटी एट ऑल द वे टू थ्री हंड्रेड इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट एंड कीप इन माइंड द प्राइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडेक्स टिल इट ब्रेक्स बिलो इलेवन थाउजेंड इलेवन मैंने एकदम क्लियर लाइन uh, में लिखा हुआ लेवल 11,000 11,000 के नजदीक कोई भी गिरावट हो आप उसे खरीदेंगे ही और आपने करिश्मा देख लिया होगा क्या हुआ एग्जैक्टली exactly. अगर आपने नहीं देखा वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में सो so, आप देखेंगे वो हमने कुछ ट्वीट किया था और अपडेट किया था सुबह के ग्यारह बजे मार्केट आज में जुलाई इकतीस और ट्वर्टी फोर्स्ट जुलाई दिस इज नाउ ट्वेल्व ट्वेंटी एट हम ट्वेल्व ट्वेंटी एट को बोलते हैं आ, कि यहाँ पे वो साइडवेज कर रहा था इट वाज़ डूइंग साइडवेज एंड सजेस्टेड मे ड्रॉप टू लेवन थाउजेंड एंड टेन नाइन वेरी क्लोज टू यू नो इलेवन थाउजेंड हंड्रेड लेवल्स हॉल्टिंग क्लोज टू इलेवन थाउजेंड हंड्रेड लेवल ग्यारह हजार सौ के करीब अगर रुक गया तो ये ग्यारह हजार और दस हजार नौ सौ पचहत्तर जाएगा राइट right? उसके बाद आप देखेंगे दो बजकर पांच मिनट पर हमने ये अपडेट किया था वी जस्ट मिस द टारगेट ऑफ यू नो इलेवन थाउजेंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पॉइंट इन मार्केट ऑलवेज मैनेज रिस्क एंड यूर हाफ जॉब इज डन अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया तो आपका आधा जॉब खत्म हो गया ग्यारह हजार के करीब जाकर ये भ्रूम हो गया आपको मालूम पड़ा क्यों बिकॉज ग्यारह हजार पे मैंने कहा था आपको आईस्टेड यू एवरी फॉल क्लोज टू इलेवन थाउजेंड और एवरी डिप टू इलेवन थाउजेंड शुड बी यूज एज अग अपॉर्चुनिटी अगर आप भूल गए तो लेट मीन जस्ट शो यू बैक अगेन लेट इस गो बैक इन द लूप और आप देखेंगे यहां पे हमने क्या बोला था टिल ब्रेक्स बिलो 11,000 थाउजेंड ऑल डिप्स सारी गिरावट को आप खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे सो so, क्या लो था वो उस टाइम का ग्यारह हजार और ग्यारह हजार सत्ताईस से ये कहां आया मालूम है ग्यारह हजार सौ पे आया वहा इमेज़ और 11,000 कौन सा लेवल था 100 और 100 पे हमने ये भी कहा था कि इट इट क्लोज जस्ट ड्रॉप टू इलेवन थाउजेंड फोर्टीज वाउ विक राइट एट दॉडम इलेवन थाउजेंड फोर्टीज इन इलेवन थाउजेंड फोर्टी फिफ्टी जोन अगर आपने देखा होगा हमने ये यहां पर लिखा कि इफ इट इज होल्डिंग वेरी क्लोज टू लेवन थाउजेंड हंड्रेड एंड मार्केट ऑलवेज मैनेज योर रिस्क एंड योर हाफ जॉब इज डन अराउंड हमने अपडेट किया था टू ओ फाइव दो बजकर पांच मिनट पे ग्यारह हजार सौ का रेट चल रहा था उस वक्त और हाँ, हमने कहा था कि ग्यारह हजार चालीस पचास में हम एक्सपेक्ट करेंगे बाय करने के लिए इफ यू नो इंडेक्स होल्ड इन दिस अ सपोर्ट अगर यहां रुक जाता है इस जोन में आपको मालूम है वो लो क्या था ग्यारह हजार इकतालीस पचास पैसे इलेवन थाउजेंड फोर्टी वन पॉइंट समथिंग That is eleven thousand forty two, very close to that bottom of eleven thousand forty. It and then it just pushed to eleven thousand nineties before it, you know, uh, closed for last trading session. That was Friday. So isn't this amazing? Now uh, going back on top, a uh, lot of uh, you know retweets I've done for Sushant, uh, SSR. Uh, may God allow him to rest in peace and we really hope a uh, justice for him and that is the reason why i have retweeted a lot i was awake till uh, you know 2 or 3 in the midnight yesterday uh, i'm reading all his stuffs because i still feel he he was an awesome fellow and the most talented actor we had uh, in bollywood let's hope uh, that uh, he gets justice and as you can see here, we even conducted a poll, and that is the reason why I suggest that you need to subscribe my Twitter channel or Twitter handle, which is you know, TalksWave. This handle hai. at the rate TalksWave. So, uh, Fibonacci number we uh, freeze 61.8. I had a screenshot also. Uh, that was amazing, and uh, that goes for nine thirty p.m. to ten p.m. Our previous time seven thirty p.m. to eight a.m. so that really uh, you know made me excited because how can I you know uh, ignore a Fibonacci uh, result? Fibonacci number is what is the basis of you know wave analysis, right? So let's get uh, uh, started with this uh, idea of Nifty bottom fishing at 11040 Ek Arb karishma 3rd august 2020 wave analysis wave count so you can see from the you know tops of uh, 11,235, ye jo level tha, this level was very important here i'll just use a trend line from here in this side uh, is trend line ke yahan se dekhenge? it just uh, had a you know a fall in a w wave and this fall uh, even looks uh, choppy not uh, you know uh,

you can always sell even if it uh, goes close to 370 and not crossing above 370 and it's halting there right so you can uh, use these opportunities for selling that is done earlier right so have uh, the fall is isn't impulsive I cannot count this as what a five wave sequence. Impulsive or trending, fast moving waves किसे कहा जाता है? It is a trending move which I can easily count as five waves. अगर आप देखेंगे वो टाटा स्टील के आइडिया में तो आपको समझ में आ जाएगा five waves. Or you can even check my wave count idea on oil, crude oil. Crude oil पे अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए. Crude oil 1900 टी uh, और करेंसी uh, wave. Wave के लिए बड़ा होता है सो वी इवन गॉट दैट और क्रूड uh, ऑयल का हाई दो हजार आठ के आसपास uh, कितना था exocetalis dollar 147 dollars was a high for crude oil and that was an impulsive move from 1998 december 1998 so go and check that idea here's again the icard for that crude oil idea if you haven't checked that idea because you will get to know more about wave counts and what is the larger term outlook what i'm suggesting and what i'm expecting let us uh, wait and watch and, and see how it unfolds next i have given you know uh, roughly a move uh, for next 2-3 years and that is a long-term idea, right. Now, uh, coming back uh, to this, uh, you can see the top here. The top is uh, 11,235 and 240s. This is and 240s, you know, uh, which is very important. uh is a choppy wave uh, W down uh this is uh you know not an impulsive you cannot count this as five waves so it is wave x and this again cannot be counted as you know five wave sequence so this is what a wave y so uh, what is it it's a wave w wave x and wave y from the tops of 11235 now let us uh, put this indicator a band and show you exactly what has happened why i am taking this hourly chart you know the reason is i have always been telling that don't do it on a smaller time frame 5 minutes 10 minutes yeah you can but then that is always a tricky part and uh, you know you won't uh, sustain that move for longer because it keeps changing very frequently in 5 minutes 10 minutes 15 minutes and you might tend to you know lose more than what you have expected and hourly chart gives you a you know kind of a sustained direction if it holds your key levels uh, something like this

वॉट no, uh, हैमर आपको मालूम हथोड़ा कैसे होता है हथोड़े में एक हैंडल होता है एंड देर अ बल्क पोर्शन ऊपर का जो हैवी वेट होता हैज हैंडल एंड देर इज अ बल्कि वेट एट एट द टॉप हथोड़ा राइट दिस यू नो है ब्लिश ऑपरचुनिटी एंड वाई सो हैमर कैंडल स्टिक ऑलवेज हैजू कॉम्पोनेट्स दैडो एंड द रियल बॉडी एक तो एक रियल बॉडी होता है आप देखें कैंडल में एक छोटा सा बॉडी है ये और उसका जो शेडो है बहुत लंबा शेडो था ये शेडो का मतलब क्या होता है मालूम है ये नीचे से रिजेक्ट हो रहा है इट इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम डाउन साइड ये नीचे से यू नो होल्ड कर रहा है और नीचे से इंटरेस्ट आ रहा है बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर बोला था आई हैव सजेस्टेड एनी डिप टू क्लोज टू इलेवन थाउजेंड शुड बी टेकन एज अ बाइंग ऑपरच्युनिटी एंड दिस इज वॉट द टाइम इलेवन थाउजेंड होल्ड इट इज अ बाय एवरी डिप क्लोज टू इलेवन थाउजेंड इज बाय एंड दिस इज वॉट हैजेंड

टर लाइन इज यूजर लाइन आप ये देखेंगे कैसे ये एग्जैक्टली ये इंडिकेटर के बॉटमो बैंड पे दिस इज अ लोअर बैंड एंड दिस इज अ अपर बैंड ये ये ऊपर का बैंड है ये नीचे का बैंड है यह सेंटर का बैंड है और कैसे ये एग्जैक्टली ये बैंड के ऊपर रुक गया ज वॉट इज रियली अमेजिंग दिस पॉइंट इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन ये घंटे का चार्ट है ये जैसे ही खत्म हो गया सो so आई ये जैसे इलेवन थाउजेंड हंड्रेड आया मैंने बोला था कि वेरी क्लोज टू तो इलेवेन थाउजेंड हंड्रेड बी केयरफुल और इसीलिए मैंने वो ट्वीट भी दिया था आई ट्वीट that दैट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एट इलेवन थाउजेंड फोर्टी फिफ्टीज देन यू शुड रियली गो एंड पिक इट या And what has happened post 11,100? Look at the bottom at this candle. This is 11,042. Can you just imagine this? 11,040. So that was right in the zone of 11,040 and 50. And that is why the no, the title is Nifty at एक अद्भुत करिश्मा अब आपको समझ में exactly. कितना अद्भुत था right? so, um, ये राइट सो ये बाय होने के बाद हम पुश देखे हैं नाउ वॉट इज ने कंबाइंड विद बॉलिंग बॉलिंग एंड दैमर कैंडल्स अंड इट वॉज एवरी टाइम सजेटेड ऑपरच्युनिटी नाउ लेट मी जिस हार्मोनिक पैटर्न फ्रॉम सो दिसन है आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिस लेवल इजन थाउजेंड एटी एंड नाइनटी जो हमने पहले भी बताया था 11080 सॉरी सो आई विल जस्ट टेक अ टेक्स्ट इट्स 11080 एंड 11090 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था सो so, यहाँ पे हम आ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेंगे ये x a b c d पैटर्न का जो फाइल लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे हम हारमोनिक पैटर्न बोलते हैं वो आपके यहाँ पे अवेलेबल है ड्राइंग टूल्स में हियर x a b c d पैटर्न राइट

आगे बाइंग देख सकते हैं जब तक ये पॉइंट होल्ड करता है डी पॉइंट होल्ड करता है इसके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी उठाए विच वॉज यू नो पिकिंग इन द जोन ऑफ ऑफन थाउजेंड फोर्टीज एंड दैट द बॉटम फिशिंग पॉइंट एंड वी इट नाउ वी आर होपिंग अप अपर अपसाइड वॉट वुड बी द टारगेट देंड इट इज अ टारगेट ऑफ इलेवन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी लुक आउटन थाउजेंड वन फिफ्टी So, my bad, uh, I suggested 11,050, it is 11,150. That would be the key level next, you know, uh, for my target and another target would be 11,300. If it starts moving up of 11,050, we will look for the targets of 11,300. So next, we look up 11,300. एक सौ पचास के ऊपर जाएगा तो हम ग्यारह तीन सौ देखेंगे और मे बी हम एक नया हाई भी देख सकते हैं बट आप सबको क्या करना है ग्यारह हजार के नीचे नहीं ग्यारह हजार के नीचे एक फॉल चालू हो सकता है दे खुड बी अ फॉल बिलो इलेवन थाउजेंड आई हैगेन मैनेज योअर रिस्क मैनेज यू

पंद्रह बीस जुलाई से मैं ये बातें कर रहा हूं कि ग्यारह हजार जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक आपको बाइंग करना है तो आपको याद होगा इफ यू सजेस्टेड सो मेनी टाइम्स यू बॉट एंड अगेन वी बॉट इट वेरी क्लोज टू इलेवन थाउजेंड फोर्टीज एंड इलेवन थाउजेंड इलेवन आई होप यू लाइक दिस आइडिया एंड इफ यू लाइक दिस आइडिया डोंट फर्गेट टू